वो स्वयं भू वहां मृत्यु के मुख में गए थे। गुरुजी ने शायद मना किया था कि आप मत जाइए, गुरुजी को आवाज हो गया होगा, परंतु वो मृत्यु के मुख में गए। उसका नतीजा 1953 में हमारे सामने आया। श्यामाप्रसाद मुखर्जी बचपन से ही होनहार थे। उनका जीवन, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, 1921 में जन्मे थे, फिर मंत्री हो गए थे, फिर उन्होंने जनसंघ के संस्थापक हो गए और काल कलवित हो गए। उसके बाद जितने भी शहीद हुए उन सब शहीदों को आज नमन करने का दिन है। ये परिचर्चा का जो प्रसंग है उसमें कविता का जरा कुछ माध्यम रहा है। शहीद क्यों होता है, क्यों जोश आता है इस देश के लिए, उसकी चार पंक्तियां हैं, वो मैं आपको सुना रहा हूं। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, हिमालय इसका मस्तक है। आप नक्शे को देखिए, हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शिखा शंकर इसकी शिखा है, गौरी शंकर इसकी शिखा है, काश्मीर इसका क्रीट है, काश्मीर इसका मुकुट है, काश्मीर इसका मुकुट है। वहीं से श्यामाप्रसाद जी बलिदान हुए थे, उस मुकुट के लिए बलिदान हुए थे। पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, कन्याकुमारी इसके चरण है, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है, सागर इसके पग पखारता है, पावस के काले काले मेघ, पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल है, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं, भारत माता की, भारत की, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर मरे तो इसके लिए। इसलिए शहीद होता है, उसके दिमाग में भारत का एक नक्शा रहता है, देश का एक नक्शा होता है। हमारे जो सिपाही वहां सरहद पर मरते हैं, वो इसलिए नहीं, किसी वीर चक्र के लिए नहीं, सीमा की रक्षा के लिए। वह वहां जगते हैं इसलिए कि हम चैन से सो सके। इसी के बारे में अटल जी ने कहीं लिखा है, अटल जी ने कहीं लिखा है कि आदमी की मौत कैसी होनी चाहिए, जीवन का अंत कैसा होना चाहिए। ये पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, जीवन एक अनंत कहानी, यद्यपि 100 शर्तों की वाणी। पुराने जमाने में लोग, आज भी 100 साल जियो, सुख से जियो, यद्यपि 100 शर्तों की वाणी, पर तन की अपनी सीमाएं, पर तन की अपनी सीमाएं, इतना काफी है अंतिम दस्तक पर दरवाजा खुद खोलो, इतना काफी है अंतिम दस्तक पर दरवाजा खुद खोलो। कि हमारे जो शहीद हैं, ये मौत का दरवाजा खुद खोलते हैं जाकर के वहां, ये मौत के लिए ही जाते हैं वहां। मैं उन सब शहीदों को नमन करता हूं और शहीद की माताओं को प्रणाम करता हूं। अगर जीजाबाई नहीं होती तो शिवाजी नहीं होते। मैं राजस्थान से आया हूं, राजस्थान में महाराणा प्रताप का बड़ा होता। वह एक मारवाड़ी में एक पंक्ति है, माई एड़ा पूत जन जेहड़ा राणा प्रताप, हे माता तो ऐसा पुत्र पैदा कर जैसा महाराणा प्रताप है। तो आपने ऐसे पुत्र पैदा किए हैं
जो महाराणा प्रताप शिवाजी सबको पीछे छोड़ गए, मैं आपको पूरे प्रणाम करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हुआ। अमरजीत जी ऐसे हैं कि हमको कहीं ना कहीं पकड़ ही लेते हैं। मैं तो मेरे किसी के कार्य से आज आया था, वैसे फ़ोन किया, मैंने कहा आज प्रोग्राम है आप आ सकेंगे, मैंने कहा अगर आप बुलाएंगे तो आएंगे, तो मैं आ गया हूँ। आपके सम्मुख कुछ शब्द बोले हैं, उसमें कुछ गलती हुई हो तो मुझे उम्मीद है आप क्षमा करेंगे। नमस्कार।